कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग की 20 के रोमांचक मैच में रविवार को यहां रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को एक रन से शिकस्त दी। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 222 रन बनाने के बाद आरसीबी की पारी को 221 रन पर रोक दिया। कोलकाता की तरफ से शिव फिलिप्स और कप्तान श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी शानदार रही। वहीं गेंदबाज में आंद्रे रसल ने 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। साल्ट ने 14 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 48 रन बनाए। वहीं अक्षर ने 36 गेंदों में 50 रन की पारी के दौरान 7 चौके और 1 छक्का लगाया, जिससे केकेआर ने 7 विकेट पर 222 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी आरसीबी ने विल जैक्स 32 गेंदों पर 55 रन और रजत पाटीदार ने 23 गेंदों पर 52 रन की अर्धशतकीय पारी के दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 48 गेंदों में 102 रनों की साझेदारी के दम पर पलटवार किया, लेकिन टीम ने 12वें और 13वें ओवर के अंदर 4 विकेट गंवा दिए। आखिर ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 2 विकेट रहते 21 रन की जरूरत थी और करण शर्मा ने मिचेल स्टार्क की शुरुआती 4 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर रोमांच बढ़ा दिया। वहीं 5वीं गेंद पर गेंदबाज को कैच देकर आउट हुए और आखिरी गेंद पर लकी फर्गुसन द्वारा रन चुराने की कोशिश में रन आउट हो गए, जिससे टीम के लक्ष्य के करीब पहुंच कर चूक गई। केकेआर के लिए आंद्रे रसल ने 25 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि सुनील नारायण और हर्षित राणा को 2-2 सफलता मिली। वरुण चक्रवर्ती और स्टार्क ने 1-1 विकेट चटकाए। मौजूदा आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी स्टार्क ने अपने 3 ओवर में 55 रन लुटाए।